नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो अब आप लोग अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से राशन कार्ड बनाने की आईडी को ले सकते हैं। और एक बार आपको राशन कार्ड बनाने वाली आईडी मिल जाएगी तो इससे आप नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, साथ ही साथ राशन कार्ड में आप आधार सीडिंग कर सकते हैं, आधार केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इस आईडी के माध्यम से आप लोग आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज इस आईडी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो किस प्रकार से आप लोग सीएससी आईडी के माध्यम से राशन कार्ड ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी व पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लू कलर का पट्टी, इसमें आपको ये सर्विसेज चलती हुई दिखाई देगा, न्यू फॉर ई डिस्ट्रिक्ट यूपी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे एक लिंक दिख जाएगा, आपको बस इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सर्विस फिलहाल उत्तर प्रदेश के वीएलई के लिए है। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के वीएलई हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जो अदर राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिएगा रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लिस्ट फॉर सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, यानी कि कौन कौन से लोग जो है आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज से, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऑप्शन था पहले, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने हटा दिया है। तो खैर कोई नहीं, हो सकता है कि भविष्य में अगर ऑप्शन आ जाए तो फिर आप इसमें भी काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सभी को आना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट की बीएलई हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, बहराइच, पीलीभीत, बस्ती, देवरिया, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, अररिया, बांदा, जालौन, ललितपुर, महोबा, इटावा, हाथरस, श्रेवस्ती, बलरामपुर और अमेठी। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट के वीएलई हैं तो फिर आप लोग सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप का डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आप लोग सीएससी के माध्यम से यहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनमें से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है अगर यहां पर आपको दिख रहा है इस लिस्ट में, तो फिर आपको सीएससी के माध्यम से आवेदन करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सीएससी आईडी, आपका ईमेल आईडी, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपका कुछ टाइम डेट भी आ जाएगा। इसके बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड का, आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आ चुका है वीएलई रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप एक नए वीएलई हैं, अगर आपको पहले से ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं मिला हुआ है, तो आपके सामने वीएलई रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। फिलहाल मुझे पहले से ही सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिला हुआ है, तो मुझे ये कह रहा है कि रिन्यूअल कर लो। ऑलरेडी हमने यहाँ पर रिन्यूअल कर रखा है। चलिए अब यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमसे कह रहा है भैया पेमेंट कर दो। अगर हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे दो बार हमसे वॉलेट से पैसा काट लेगा, तो भैया आपको ऐसी गलती नहीं करनी, मैंने ऑलरेडी पेमेंट यहाँ पे कटा चुका हूँ। और तो यहाँ पे देखेंगे हमने पे पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद पुनः जो है ये हमें सीएससी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है पेमेंट करने के लिए, जबकि मैं ऑलरेडी इसका पेमेंट कर चुका हूँ। 500 कुछ रुपये का पेमेंट यहाँ पर लगता है रिन्यूअल का, और रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी 500 ही रुपये लगता है। तो यहाँ पर पुनः जो है हम इस साइट पर आएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। तो पुनः आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आप रूरल से हैं या अर्बन से। रूरल का मतलब है कि आप विलेज से हैं यानी गाँव से हैं, अर्बन का मतलब है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं। तो अगर आप अपना सीएससी सेंटर संचालन कर रहे हैं अपने गाँव में,
तो फिर आप रूरल का सिलेक्शन करेंगे, और अगर अपना सीएससी सेंटर का संचालन आप लोग कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में तो आप अर्बन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करेगा, आपका स्टेट भी शो करेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा वही आएगा। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर जो भी आपका ब्लॉक है वह ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वो अपने आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट ही शो करेगा, अदरवाइज कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं शो करेगा, इसका ध्यान रखना है। फिर आपका ब्लॉक शो करेगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वर्किंग ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस यूपी। अगर आप पहले से किसी और कंपनी के थ्रू आपको ई डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है तो आप यस करेंगे और अपने वो आईडी डालेंगे, अदरवाइज नहीं मिला है तो आप नो पे रहने देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरे साथ अभी हुआ था, इसने पेमेंट पेज पे रिडक्ट कर दिया था सीएससी वाले पे, जहाँ पे 500 कुछ रुपए का पेमेंट आपके सीएससी वाले से डिडक्ट होगा। आपको पेमेंट कटा देनी है, पेमेंट कटाने के बाद स्लिप आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, और आपका जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर क्रेडेंशियल बन के आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। और इसके बाद फिर आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट आईडी में लॉगिन करने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे यूपी ई डिस्ट्रिक्ट, यूपी यहाँ पे सर्च करेंगे यूपी डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से सर्च करोगे। सर्च करने के बाद इस प्रकार से लिंक आएगा उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश खुल जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, इस पर आओगे। यहाँ आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे लॉगिन टाइप पे आपको सीएससी डिस्ट्रिक्ट यूजर को सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड मिला हुआ है वो अपना आईडी पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। देन इसके बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, और फिर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे, आपका नाम और आपका सीएससी केंद्र का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको कई सारे सर्विसेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बना सकते हैं, यहाँ से आप विकलांग एवं समाज कल्याण विभाग का जो सर्विसेज है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, राजस्व एवं पंचायती राज विभाग का सर्विसेज आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए, राशन कार्ड में संशोधन करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है विभागीय एकीकरण सेवाएं हेतु आवेदन, इस पर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे हमारा जो अवेलेबल बैलेंस 3 है आपका 0 होगा जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मोर कोटा पे क्लिक करके सबसे पहले आपको इसमें जो है अपना कोटा बैलेंस यानी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से बैलेंस ऐड करेंगे, इसके बाद आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना होगा, और फिर आपको यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आप इस प्रकार से राशन कार्ड की ऑफिशियल साइट के अंदर अपनी आईडी के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए या संशोधन करने के लिए आपको नक्शा पे क्लिक करना है, देन आपको फिर यहाँ पे नक्शा पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप माउस का एरो लेके आएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार से सर्विस निकल के आ जाएगी जहाँ पे आप नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से राशन कार्ड में संशोधन कर सकते हैं, यहाँ से किसी व्यक्ति को अपना राशन कार्ड समर्पण करना है तो वो करवा सकते हैं, राशन कार्ड का आप यहाँ से नवीनीकरण करा सकते हैं, राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं, राशन कार्ड में अगर किसी का आधार सीडिंग हो चुका है और नाम परिवर्तन करना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार की सभी सर्विसेज जो है आप यूज कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए यार, कर लो। धन्यवाद।